देखिए सेल्फी स्टार्ट हो गया तेरी, तो मुस्कुराहट देखिए पहले चेहरे पे रौनक देख लीजिए। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अलबैक, जैसा कि काफी दिनों से चर्चे में था अलबैक, तो अलबैक के सामने खड़े हैं। अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से सुना गया उस तरह से अंदर कुछ है कि नहीं है। तो दोस्तों फिर एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और इस समय मैं हूँ मऊ ज़िला में, और हम लोग जा रहे हैं जो वीरों की धरती कही जाती है गाजीपुर। गाजीपुर का जो सबसे बड़ा गांव है गहमर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ हर एक घर में जो है एक सोल्जर पैदा होता है, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। और हमारे साथ जो हमारे साथी लोग हैं, अभी हम लोगों से गाड़ी में मतलब परिचय करवाएंगे। अभी गाड़ी में जो है फ्यूल डाला जा रहा है, तो यहाँ फ्यूल डालने के बाद से जो है निकलेंगे। घर से मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाया क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग निकले, क्योंकि वहाँ से 8:30 बजे निकलने का टाइमिंग था, लेकिन 9:30 से ऊपर हो गया था, तो वहाँ से ब्लॉग नहीं शूट कर पाया हूँ। अभी मऊ में जो हम लोग रुके हैं गाड़ी में जो है फ्यूल डालने के लिए, तो मैं कहा अब यहाँ से ब्लॉग जो शूट करते हैं और जहाँ चलेंगे वहाँ का दिखाएंगे। क्योंकि मतलब जैसा गहमर के बारे में कहा गया कि वहाँ की जो आबादी मतलब 1,30,000 के करीब, मतलब बहुत ही बड़ा गांव, हमें लगता है कि यार विश्व में जो है सबसे बड़ा गांव होगा। तो बाकी वहां की जो इतिहास है ना, हमारे साथ वहां गाजीपुर के इसराफिल भाई हैं, वो आपको बताएंगे। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं और निकला जाए। तो अब हम लोग यहां से निकल रहे हैं। देखिए ये हमारे साथ हैं मोहम्मद इसराफिल भाई, ये गाजीपुर के रहने वाले हैं। तो जैसा कि हम गहमर का नाम लिया हूँ कि सबसे बड़ा गांव, ये सही है, और लेकिन हम लोग जा रहे हैं उसी के बगल में ही, एक 12,000 के करीब आबादी होगी, गांव का नाम है बारा, लगभग गहमर कितना दूर होगा, मतलब नजदीक में, अब किलोमीटर में नहीं बताया जा सकता है। तो चेक कर लो, जैसा कि जो है इसराफिल भाई गहमर के बारे में मैंने बताया कि वहाँ कहा जाता है कि हर एक घर में एक जो है सोल्जर मतलब फौजी जो है पैदा होता है, ये सही है? सही बात है। क्यों कहा जाता है मतलब इस तरह का? तो कैमरे पे बोलने में जो है इसराफिल भाई शर्मा के, देख सकते हैं इनकी मुस्कुराहट, ये कैमरे से हट गए थे। तो अभी हम लोग मऊ में जो है यसदीप ढाबा पे रुके हुए हैं। तो यसदीप ढाबा मऊ में नहीं गाजीपुर में है, मैं यहाँ पर गलत बोल गया, तो इस वजह से इसे रिपीट कर रहा हूँ बाद में बोलकर, बाद में मुझे जानकारी हुई गाजीपुर। चाय वगैरह पी लिया जाए उसके बाद से निकला जाए। अच्छा ढाबा दिख रहा है, देख सकते हैं बढ़िया लुक है। तो यहाँ थोड़ा सा चाय पिया जाएगा उसके बाद से, मतलब लोगों से नहीं करा पाए साथ में कौन कौन से लोग हैं। तो अब मिलाते हैं कि गाजीपुर कौन कौन से लोग जा रहे हैं। काजू भाई, हकीक खान, इधर इमरान, इसराफिल भाई दिख रहे कि नहीं वो, अब बगल में जो हमारे राजू भाई। बस यहाँ पे चाय पी लिया जाए और पनीर पकौड़ा खा लिया जाए, फिर निकला जाए। ये पनीर पकौड़ा आ चुका है, और सबसे पहले हमारे राजू भाई जो है। तो अभी हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जो है गाजीपुर से चढ़ गए हैं, का इनके दिक्कत हो गया हो। अच्छा ये कार्ड दिखा रहे हैं। अरे भाई एक बार पहले भी आ जा, ये भाई अखिलेश के प्लान पे हम लोग चल रहे हैं भैया। ये काम उसका बहुत शानदार है, बहुत निकलवाया रास्ता अखिलेश यादव का ना। दोस्तों गाजीपुर में अगर कुछ अलग देखने को मिला है तो सबसे ज्यादा यहाँ पे खेती जो है मिर्चे की और मटर, ये दो चीजों की खेती ज्यादा देखने मिली। अभी देख सकते हैं यहाँ भी मिर्चे लगे हुए, बहुत शानदार जो है। वापसी में देखेंगे, हम लोग नहीं होगा तो रुक के जो है थोड़ा सा वीडियो शूट करेंगे जो उतर के गाड़ी है। अभी पहुँचना हम लोगों को जहाँ पे 12 गांव, वहाँ पहले पहुँचते हैं। ये सब मटर जो है यहाँ खत्म हो चुके, कितना मटर तोड़ तोड़ के रखा हुआ है। इस साइड देखिए छोटी छोटी छोटे छोटे मतलब पेड़ हैं मटर के, लेकिन बहुत ज्यादा मटर जो है तोड़ी जा रही खेत में। एक बोरा ले लिया, बकरी भी देख सकते हैं काफी अलग नस्ल की है। अब मटर के खेत में सब जो है बांधे हुए हैं, कितना शानदार है अरशद भाई के वहाँ का, आप देख सकते हैं पीपा तो बाहर निकाल कर। अरशद भाई भी देख रहे होंगे इस वीडियो को शायद।
अब आ चुके हैं गंगा नदी पर। सामने देख सकते हैं गंगा नदी है और उस पर लगा हुआ है पीपा पुल। इसी पीपा पुल के रास्ते हम लोग चलेंगे बारा गांव, जो काफी बड़ा गांव है। और अगवा पीपा चल के तो कहीं गड़िया रुके पड़ी है ना। अच्छा चलेगी गड़िया, उपार चली जाइए। नहीं चार पहिया तो दिख रही है, एक तो दिख रही है। अच्छा ठीक खड़ी है वो बहन के। हाँ, सीधे हमें चलना है ना कुल मिला के। तो क्रॉसिंग होना है भैया। हाँ, 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 तो बाइक ले लिए, बहुत पीछे खड़ी है। ठीक ठीक चलो खींचो। अच्छा ये देखिए जो है पीपा पुल। ठीक 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 बहुत दिनों के बाद देखने को मिला। बहुत दिनों के बाद था ये बात। पहले कमरिया था, करकोल घाट था और ये गंगा नदी पे पीपा पुल है। देखिए ये गंगा नदी है। गंगा नदी पर लगे इस पीपा पुल को पार करने के बाद हम जिस गांव पहुंचेंगे उस गांव का नाम है बारा। बारा गाजीपुर का जो है आखिरी गांव कहा जाता है, क्योंकि इस गांव के बाद से बिहार का बक्सर जिला लग जाता है और बारा गांव का एक अपना इतिहास है। बताया जाता है कि चौसा का जब युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, तो हुमायूं जो है इसी गाँव के रास्ते बिहार बक्सर जिला चौसा का युद्ध लड़ने गया था। तो यहाँ पे बहुत सारी जो है पुरानी चीज़ें, पुरानी विरासतें आपको जो है देखने के लिए मिल जाएंगी और बहुत सारी कहानियाँ हैं बारा गांव के नाम के बारे में भी, कि हुमायूं को जो है बारा गांव की किसी बूढ़ी महिला ने दही बड़ा खिलाया था, जिसके बाद से जो है शायद इस गांव का नाम बारा रखा गया। और भी बहुत सारी बातें सुनने के लिए मिलती हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सामने पूरा सारी गाड़ी लाइन से लगी हुई है। कारण ये है कि आगे जो ये प्लेट है ना, इस पीपे के ऊपर प्लेट जो लोहे की चादर रखी हुई है, ये चादर शायद फंस गया था, तो उसी को सही किया जा रहा। तो अब हम लोग भी यहाँ पे उतरेंगे और उतर के थोड़ा सा फोटो वोटो खिंचाएंगे। इस समय हम लोग गंगा घाट पीपा पुल पर हैं और गाजीपुर के अंदर जो है, मतलब ये गंगा नदी है। हाँ तो नहीं दिखेगी। तो देखिए इमरान, राजू भाई, काजू भाई, इसराफिल भाई सभी लोग साथ में हैं और इस समय हम लोग ये बारा गांव, मतलब ये पड़ेगा। अब जैसे ही हम लोग यहां से पार करेंगे ना, ये बारा गांव का एरिया चालू हो जाएगा। आगे अभी काम चल रहा है रोड का, तो जैसे ही क्लियर होगा उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। तब तक ये हुआ कि फ़ोटो शूट वगैरह हो जाए। तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा और हवा भी जो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे मौसम तो ठंड का है, पूरे दिन जो है बादल लगा रहा, बीच में हल्की फुल्की बारिश भी मिली है। तो चलिए जो है अब थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचा जाए। खींचने के बाद देखिए सेल्फी स्टार्ट हो गया है। तेरी तो मुस्कुराहट देखिए, पहले चेहरे पे रौनक देख लीजिए। चेहरे पे रौनक नहीं मिलेगा मौका। एक गाड़ी और आ गई। आए भैया आप भी लाइन में आए। राजू भाई क्रेटा भी आना चाहिए ना। तो लगभग हम लोगों को यहाँ वेट करते हुए 20 मिनट हो चुका, लेकिन अभी रास्ता क्लियर नहीं हो पाया। बस वही वेट किया जा रहा कि रास्ता क्लियर हो जाए, उसके बाद से हम लोग पहुँचें अपने स्थान पे जहाँ की तैयारी करके हम लोग गोरखपुर से चल के गाजीपुर आए हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में बताया था कि बारा गाँव हम लोग जा रहे हैं। बारा गाँव भी जो है काफ़ी बड़ा गाँव है और जैसा कि गूगल बाबा ने बताया है कि बारा गाँव में जो है सबसे ज़्यादा पठान जो बिरादरी होती है, जिसको खान भी लोग कहते हैं, जैसे मेरा नाम महताब खान है। ये बिरादरी बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे बारा गाँव में चिल्ला चिल्ला काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है और लगभग यहाँ हम लोग जितने 20 मिनट में लगभग लगभग 150 फोटो खींचा गया होगा सब लोगों का मिलाकर। क्या टेक्नोलॉजी है ये, पानी के ऊपर जो है कैप्सूल बना बना कर उसके ऊपर लकड़ी, लकड़ी के ऊपर फिर जो है ये लोहे की चादर डाला गया और उधर देख सकते हैं खींच खींच कर लेके जा रहे हैं पत्थरा। देख रहे हैं वो पत्थरा खींच के उसी से रास्ता बना रहे हैं गाड़ी जो है ऊपर चढ़ने के लिए। सारी गाड़ियां लाइन से लगी हुई हैं, हम लोगों को चढ़ना ऊपर, ऊपर वो रास्ता है। तो रास्ता अभी जो है क्लियर हो चुका है, गाड़ियाँ जा रही हैं, देख सकते हैं रास्ता अभी
यार अब तक बाल बाल बचा जो गिरते गिरते। चलिए बहुत वेट हो गया। तो ये रास्ता बहुत ही बढ़िया है, दोनों साइड जो है खेत, अब बीच में चक्रोड। धुरियापार से अच्छा है यार, तो ये तो कहना पड़ेगा सही है, धुरियापार से रास्ता बहुत अच्छा है। 12 बजते ही देख सकते हैं एकदम देसी स्टाइल में आ रहे हैं अरशद भाई सामने से, और मिलते हैं बिन से। 12 हम लोग पहुंच चुके हैं, अरशद भाई से मुलाकात हो गई और नादिर भाई भी यहां पे पहले से थे। तो यहां पे जैसा कि अरशद भाई को वहां दावत वलीमा है, इसी दावत वलीमा में हम लोग आए हुए हैं। और अरशद भाई का परिचय ये है कि ये अपने उरुआ थाने पे जो है SI हैं, सब इंस्पेक्टर। और हाँ, ये दावत वलीमा जो है उनके छोटे भाई का, कोई कुछ लोग उनका ही ना समझ लें। तो ये 12 गांव की गलियां हैं, देखने में तो ऐसा लग रहा नगर पंचायत हो, लेकिन ये नगर पंचायत नहीं है, गांव है। लोग चल रहे हैं यहाँ, मतलब गांव के करीब में एकदम किनारे पे गंगा नदी है, जैसा कि वहाँ पीपा पुल के पास हम लोग दिखाए थे। हाँ, तो गंगा किनारे हम लोग पहुँच चुके हैं, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। हाँ, ये देखिए नाव भी है। अच्छा, यही नाव बताते हैं क्या अरशद भाई? हो यही नाव बताते हैं क्या? नाव से उतर के आते हैं, पीपा नहीं रहता है तो। हाँ, देखिए बड़ी वाली नाव लगी है, उसी नाव से लोग उतरते हैं, मतलब जब वहाँ गोरखपुर से आते हैं घर। अच्छा, घाट उस साइड वाला उधर है और इधर देख सकते हैं। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं गंगा के किनारे, और देख सकते हैं उधर जो है नाव लगी हुई है, जो उसी पर दौड़, लड़के दौड़ते हैं। अच्छा, हाँ। देखिए गाजीपुर, जैसा कि जो है मैं बताऊं कि यहाँ जो गहमर गांव है, वहाँ कहा जाता है कि हर एक घर में जो है एक सोल्जर पैदा होता है। तो देखिए गाजीपुर ये 12 गांव है, और इस गांव के किनारे जो गंगा नदी का जो मतलब इस समय रेता छूटा हुआ, उसी पे लड़के जो है बता रहे हैं भैया कि तैयारी करते हैं, मतलब फोर्स की, मतलब फोर्स लाइन की जितनी भी भर्तियां आती हैं उसी पे दौड़ते हैं, उसी दौड़ के तैयारी करते हैं। वो रहा वो फील्ड जो मैं अभी आपको बता रहा था, ऐसे दिख रहा होगा। हाँ, तो अभी नाव खुल गई है उस पार के लिए, और कुछ सवारियां भी उस पर हैं। अब ये नाव जाके लगेगी उस पार, देखिए सामने आपको दिख रहा होगा एकदम इस सोजाई पे, वहाँ पे घाट है उसका, वहाँ भी कुछ नाव खड़ी है, उधर से भी नाव शायद खुलने वाली है, मतलब एक इधर से जाएगी तो एक उधर से आएगी। ये भी इंजन वाली नाव है, हमें लगा खे के जाएंगे, लेकिन ये भी देखिए इंजन से काफ़ी तेज जा रही है। अच्छा, उसमें जो पानी है वो पानी निकाल के फेंक रहे हैं। हाँ, पीछे स्टेयरिंग है, जिधर मोड़ना है उधर मोड़ दो। ये जो है ये मस्जिद है, अंदर से तो नहीं दिखा पाया, 2-3 फ्लोर में। चलिए चलिए ठीक। तो चलिए अब सबसे जो है यहाँ हाथ मिला लिया गया, अब यहाँ से जस्ट निकला जाएगा। चलो मेरा बैठो। ये 12 गांव जहाँ तक हो सकता था वहाँ तक दिखाया गया आपको। थोड़ी मोबाइल भी चार्ज नहीं थी इस वजह से पीछे घुस गया आप। दोस्तों, जैसा कि यहाँ की एक चीज़ और विशेषता मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, ये जो 12 गांव है ये अब गाजीपुर का मतलब ये आखिरी गांव है, इसके बाद से जो है बिहार बक्सर शुरू हो जाता है। मतलब जहाँ पे मैं हूँ यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर अगर आगे हम लोग जाते तो बिहार और बक्सर जो है चालू हो जाता। तो फिर हम लोग पीपा पुल के पास आ गए हैं, फिर कुछ काम यहाँ चालू है, यहीं से पीपा पुल के लिए उतरना है। बड़ी गाड़ी बंद करेंगे, और यहाँ पे JCB आई हुई है, बुलडोजर बाबा। कुछ खनने उनने का प्रोग्राम चल रहा है, क्या है देख लो। आ रही गाड़ी, आ रही गाड़ी, आ रही दो तीन गाड़ी। काफी ढलान है और देख सकते हैं मैं कितने हाइट पे हूँ। हाँ, अपार तक पैदल चला जाना। चलो पहले एक बार वीडियो दिखा दें यहाँ से। ये देखिए गाड़ियाँ आ रही, इस वजह से अपनी गाड़ी रुकी हुई है उधर रोड पे। अब ये सब गाड़ी निकल जाएगी तब हम लोग जो चलेंगे।
किधर से? यहीं से कूद जाओ। अपनी मोबाइल तो जो है बैटरी लो हो गया, तो इमरान के मोबाइल से कूद चला था। फिर एक बार हम लोग आ गए वापस पीपा पुल पे और अपनी गाड़ी आ रही, देखिए गाड़ी लाइट जला के उतर रही है वहाँ से, आगे वाली गाड़ी, पीछे गाड़ी तो दूसरी है। देखिए हम लोग जो गए थे वो सामने दिख रहा ना, उसके उस साइड गए थे। हाँ देखिए किसी की बॉडी भी जल रही, धुआं उठते हुए आपको दिख रहा होगा। इधर भी जो लोग आ रहे हैं वो बॉडी जला ही क्या रहे, मतलब किसी का शव। इसके नीचे नाव वगैरह भी है, ये देखिए नाव है। मोबाइल ना गिरना भाई। लो गाड़ी आ गई अपनी। दोस्तों पीछे देख सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो है टोल गेट है, और अभी टोल गेट पार करके अब हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे गोरखपुर हाईवे, मऊ होते हुए दोहरी घाट बढ़लगंज फिर अपना धुरिया पर। और गाड़ी अभी टोल गेट क्रॉस करके यहाँ पे रुकी है, लोग थोड़ा सा हल्के हो रहे हैं हम समझ सकते हैं। तो अब यहाँ से अगला स्टॉप होगा अलबैग, अलबैग पे रुका जाएगा। देखिए अलबैग पे रुक पा रहे हैं कि नहीं रुक पा रहे, अगर रुकेंगे तो ज़रूर वहाँ का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अलबैग, जैसा कि काफ़ी दिनों से चर्चे में था अलबैग, तो अलबैग के सामने खड़े अब अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से सुना गया उस तरह से अंदर कुछ है कि नहीं। वाले कैमरे से आपको क्लियर दिख रहा होगा, देखिए अलबैग। तो दोस्तों जैसा कि अलबैग के बारे में बताया जा रहा था कि मऊ में खुला हुआ है, लेकिन ये मऊ में नहीं, ये अलबैग जो है घोसी में है, एकदम घोसी मार्केट में है। मऊ भी है, मऊ में नहीं शायद, ये मतलब जिला तो मऊ ही लगता है, लेकिन ये है घोसी मार्केट में। रोहित सचिन प्लेस। अरे बंद है क्या हो संतरा बिहारों का लेला थोड़ा। अच्छा इधर भी है, मतलब प्राइवेट जिसको बैठना हो फैमिली के साथ इधर बैठ सकते, लेके आएंगे इंशाल्लाह। ये हमारे हाजी साहब हैं, स्टॉप कर देना। अलबैग पे भी हम लोगों ने ऑर्डर किया है पॉपकॉर्न और ये क्रिस्पी लॉलीपॉप, तो ये दो आइटम अभी ऑर्डर किया गया, फिर देखेंगे जैसा रहेगा वैसा जो है मतलब बताया जाएगा। बाकी ये हैं नदीम भाई जो अलबैग पे आपको मिल जाएंगे काउंटर पे, और होम डिलीवरी भी है। तो होम डिलीवरी यहाँ लोकल में होगी ना, किलोमीटर लोकल में पर किलोमीटर, तो उतना दूर कौन मंगाएगा? अगर 50 किलोमीटर जाना होगा तो उतना दूर जाए नहीं। कहाँ गोरखपुर में अलबैग कहाँ है? गोरखपुर में अलबैग है, लेकिन गोरखपुर से खुद ही हम लोग 50 किलोमीटर अंदर है रुआ बाजार। हम लोग मतलब हमारे वहाँ से सिटी 50 किलोमीटर ना। चलिए बाकी एक बार दिखा देते हैं आपको। अभी सेल्फी लोग ले रहे थे, मतलब फोटो वगैरह कर रहे खींच रहे थे। तो अभी गाजीपुर से रिटर्न होने के बाद से अपने वहाँ मदरसे में भी प्रोग्राम था सफ़ी की तरफ से, तो लोग खा रहे हैं, मैं तो खाओ के आया हूँ, पेट अपना भरा हुआ तो खा तो पाएंगे नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं तो थोड़ा सा अपना ले लिया जाएगा। बाकी मैं सोचा लाओ यार, अपनी मोबाइल तो स्विच ऑफ हो गई है, तो सफ़ी के मोबाइल से ही शूट कर रहा हूँ, एक दो फोटो क्लिक कर लेंगे इन लोगों का।
अच्छा हाँ, ये इंतजार भाई बता दिए, जो लोग वलीमा में छूट गए थे, लेकिन कहाँ वलीमा में छूटे थे? अरे तू तो रबे के मान ला सिज्जू भाई नहीं थे, मौलाना साहब नहीं थे, और बाकी तो हमें लग रहा कि सब लोग थे, कोई ऐसा नहीं दिख रहा। हाँ अच्छा अच्छा बड़के बा के भाई बच्चे भी ग्रुप में शामिल है।